हलका मजीठा अधीन पैंदे पिंड जजियाणी विखे जमीन उत्ते कुछ व्यक्तियों के वलों कब्जा किया जा रहा है। जानकारी दिंदे पीड़ित परिवार प्रभजीत कौर ने दस्या कि उन्हां दी डेरे नाल लगदी 3 कनाला जमीन जो पिंड दे कुछ व्यक्तियों अते कुछ बाहरले व्यक्तियों दे वलों नपी जा रही है अते धक्के दे नाल उस नूं अपने कोल रखिया जा रहा है, जिस संबंधी उन्हां दे वलों पुलिस नूं दरख्वास्त भी दित्ती गई है पर कोई कारवाई नहीं की जा रही अते उल्टा सियासी दबाव हेठ आ के कुछ व्यक्तियों दे वलों उन्हां नूं ही डराया धमकाया जा रहा है अते जानो मारन तक दियां धमकियां दित्तियां जा रही ने। मजीठा तो अज की आवाज़ के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। नाम प्रभजीत जिजियाणी। मामला यह है भी इन्होंने साड़ी निशानदेही हुई सी 15 च तो इन्होंने साड़ी धक्के नाल कणक वढ के 19/2/2022 के इलैक्शन के एक दिन पहला इन्हें रात कणक वढ के रात 12:30 बजे इन्हें कंध कर ली है। साड़ी कणक वढ दी हरी इन्होंने साड़ी 15 में निशानदेही हुई ही साडा इन्हों कोई नहीं हैगा तो बाकी इन्होंने साढ़े ना बहुत धक्केशाही की है। बाबा ठाकर सिंह, बीबी बलविंदर कौर, बाबा नोक सिंह यदि पत्नी आ, बाकी जो रोमाणिया के 3 जने सुखविंदर सिंह तो हैप्पी तो संदीप सिंह तो पुत्र उन्होंने प्यो इन्हों का ना सुखदेव सिंह तो ये साढ़े ना धक्केशाही ये निक्के कोटले का धर्म सिंह का मुंडा एक सुखविंदर सिंह ये नाल हो के सारे होर समा 15-20 जने नजायज़ हथियार इन्हों को नजायज़ सब कुछ इन्होंने को साढ़े ना धक्केशाही कर डे आडे ना बहुत चिर तो धक्केशाही करते हैं तो जो अं जाने ये बीबिया की भी इन्हों अंदर सुट लो तो ये बबे हूँ यो इन्हों मत देंगे भी इन्हों अंदर सुट लो अंदर सुट के तो इन्हों मार दो भाई बेशक बाद चाहू सद लियो तो ये साढ़े ना इस तरह धक्केशाही तो अं पुलिस के 112 तो भी कॉल कीतियां वा तो फिर मुलाजम आते रहे मुलाजम इन्हों डक के गए ये डके नहीं रहे तो ये उस तरह के अं किसी पुलिस को किसी मुलाजम को किसी पटवारी किसी गुरदौर अं कुछ नहीं जानते जोड़ा पटवारी तो गुरदौर आपको निशानदी आते निशानदी जो मुलाजमा को गए उन्होंने कहा तुम निशानदी करा लो जे निशानदी कराने लगे हाँ निशानदी की दरखास्त दी है इन्हें साड़ी वापस करती है ये जेडे बब्बे होनी जाके तहसीलदार तो पटवारी दबाते हैं तो उन्होंने पैसा धेला दे के तो ये निशानदी नहीं होने देंगे तो साड़ी 3 महीने तो इस तरह बहुत ज़्यादा वड्डा रट्टा चल रहा तो यह साडा ना बहुत धक्केशाही तो मेरा बेटा कला इतने तो आप कल डेरे से रहते हैं तो सू वालों बहुत डर आ खतरा है ये अतवादी है सू बहुत ज़्यादा खतरा इन्होंने वालों साड़ी बेनती आ कि इन्हों सा थान भी दवाया जाए तो साड़ी बेनती यो कि इन्हों साडे इतों ठालिया जाए बस पुलिस जवाब कंप्लेन 2-3 वारी कर चुके हैं बड़ी वारी कर चुके 10 तरीक उन्होंने फिर की उन्होंने कोई भी साड़ी सुनवाई नहीं की पुलिस ने कोई भी सुनवाई नहीं करन दा पटवारी कहिंदा भी मैं आउणा ही नहीं आ साझा खाता मैं आउणा ही नहीं की नाम है पटवारी दा पटवारी दा नाम हैगा जी नरिंदर सिंह हरजिंदर सिंह गुरदौर आ हरजिंदर सिंह गुरदौर आ ओ आंदे अहीं आउणा ही नहीं हाँ साझा खाता अहीं आउणा नहीं साडा हद ना मामला साडा सांझे खाते ना कोई मतलब नहीं हैगा साडा हद ना मामला की मांग की करदे हुण अहीं मांग इहो करदे आ वी साडा जिहड़ा थां आ इह दवाया जावे जो साडी कणक वड्डी आ जो उहदा हरजा आ साडा साडी जिथों तक वी कंध जिथों तक निशानदी सानूं थां साडा दवाया जावे तो बाकी जी साड़ी कणक वढ़ी आदाचा खटिया जाए जो कानूनी कार्रवाई बनती है इन्हें की जगह कि जगह घट तो घट भी 3 कला थान आऊगा सानू जी हाँ बेच जाके दास पंकज नाथ शिरगिल चेयरमैन वाल्मीकि सरदार सभा जो कि पिंड जिजियाणी के प्रभजीत कौर पीड़ित वालों जी एक दरखास्त SHO मजीठा 10 जून दिती हुई सी पर पुलिस वालों कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। अज फिर दोषियों वालों उन्होंने जबरदस्ती जमीन वाही गई और पहला भी उन्होंने जबरदस्ती इन्हों की कणक वढ़ के बिच जी कंध की हुई ही जिस संबंधी दरखास्त उन्होंने मानयोग डिप्टी कमिश्नर अमृतसर जी ने दी हुई ही पर उन्हें मार करके थले DSP मजीठा जी ने करती तो उन्होंने कहा भी निशानदेही लो तो फिर दोषियों खिलाफ़ बनती कानूनी कार्रवाई करा और ये भी कहा है भी जिन्ना चेर निशानदेही नहीं होंगी दोवें धिर इस जमीन में छेड़े ना ना कोई वाणगे ना कोई वरतूगा पर उन्होंने DSP साहब के हुक्मों की पालना ना करते हुए दोषी दोषियों वालों अज के जो जमीन पहला 10 जून भी वाही गई सी जिस संबंधी दरखास्त मजीठा थाणा के दी हुई है पर फिर अज फिर सवेरे तड़के उस जगह में फिर वा रहे ही जिस संबंधी असी फिर पुलिस ना तालमेल किया गया और जो असी मौके पर आके उन्होंने डक पाई आ और अं प्रशासन को मंग करते हैं कि दोषियों खिलाफ़ बनती कानूनी कार्रवाई करे और जो निशानदेही की गल है निशानदेही 2015 भी हुई ही तो ये पुलिस वैसे उलझा रही है साड़ी मंग आ प्रशासन को भी दोषियों खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करो
और तहसीलदार साहब नू भी साडी बेनती है भी इन्हां दी जिहड़ी निशानदेही बनती आ इन्हां दी कीती जावे, नहीं तां इत्थे लड़ाई झगड़ा होण दा डर आ, इह परिवार नू जान माल दा खतरा वा। तो तहसीलदार साहब क्यों इन्हां दी निशानदेही रोक के डके के बैठे आ, क्योंकि चौथे महीने दी इन्हां दी दरखास्त आ, क्योंकि अपना सिविल प्रशासन यह भी सुत्ता पिया वा, इनू भी जागन की लोड़ आ भी जिहड़ा अपना लोड़वंद है उहदी लोड़ पूरी होनी चाहिए, जिहदे जिहदी निशानदेही आ इन्ने चिर की दरखास्त दी उत्ते कार्रवाई होनी चाहिए आ। अगर जे कार्रवाई ना हुई तो वाल्मीकि जथेबंदी पीड़ित परिवार के नाल खड़ी आ, तो और इनू इंसाफ दवाऊगी। जिहड़ा भी अधिकारी चाहे पुलिस का अधिकारी आ चाहे सिविल प्रशासन का अधिकारी आ, वह बख्शा नहीं जाऊगा जिहड़ा अपनी ड्यूटी के विच कताई वरतूगा। कोई मसला नहीं, ये तो पुराना ही मसला जगह का चलता हुंदा वा, तो दो पार्टियां नू टाइम देता वा, तो निशानदेही करा रहे जिते निशानदेही होगी उस हिसाब से। कोई नहीं मौके ठीक ठाक है, कोई गलबात नहीं, दो पार्टियां समझाता भी अपनी निशानदेही लैन। सर सुनने च आया गोलियां भी चलियां, कोई गोली नहीं, कोई बस नहीं, सवेरे इतने कोई गलबात नहीं, हवाई फायर होया कुछ नहीं होया, तो कोई गल ही नहीं इतने।